चंगे जी तो ऑल ओवर जयपुर सबसे बेस्ट है। चंगे जी और हरा धनिया। चार चार चीजें एक साथ लेकर जा रहा है यार। ये आ गया इसके अंदर बटर, ये देखो भाई साहब, यहाँ के जो ऑनर है ना वो इतने दिल खुश और खुश मिजाज बंदे हैं। बनके रेडी हो चुका है चिकन चंगेजी, ये एकदम मखमल है सर, मुंह में जाएगा खुल जाएगा। एंड व्हाट अ अमेजिंग फूड हियर वी हैव गॉट। सिर्फ शाम को ही काम करते हैं हम, 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक। दोस्तों आपकी भारी डिमांड पे मैं आ चुका हूँ आज अल हबीबी रेस्टोरेंट। बहुत दिनों से प्लान कर रहा था एक्चुअली अल हबीबी आने का, बट मेरा हो नहीं पा रहा था, फाइनली मैं आज आ चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो माहौल है ना वो आप देखो, इतनी भीड़ उमड़ चुकी है कि जो ऑनर है उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी 2-3 आइटम है आप मस्ट ट्राई करें उनको, जिसमें एक मलाई टिक्का बताया था अमूल बटर में यूज करते हैं, बनाते हैं शानदार प्रिपरेशन के साथ। अंदर चलते हैं, आपको मैं पूरा चंगेजी का मेकिंग दिखाता हूँ, किस तरह से चंगेजी बनाते हैं, और एक एक करके सारी चीज़ों को टेस्ट करूंगा और फिर आपके साथ इसका रिव्यू करूंगा, आपको दिखाता हूँ अल हबीबी कैसा है। मैं आपको यहाँ की एक बार लोकेशन समझा देता हूँ, आप राजा पार्क से जो मोती डूंगरी रोड है ना वहाँ से सीधे आएंगे तो वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा अल हबीबी। यहाँ पर है मैं आज, ये देखो चंगे जी तो ऑल ओवर जयपुर सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया बेस्ट एक। अरे वाह, मैं यानी कि काफी टाइम से साल भर से वो मोहम्मद जी पे खा रहा हूँ, मोहम्मद जी से भी बेस्ट है यहाँ चंगे जी, एकदम तो मजेदार। शामी कबाब, चिकन शामी कबाब, चिकन शामी कबाब, हाँ आप खाओगे इसको। क्या शानदार रोटियाँ इस तरह से आती रहती हैं। मोस्टली प्लेसेस पे जो टिक्के वगैरह होते हैं उसमें ब्रेस्ट पीस का यूज़ किया जाता है, चिकन ब्रेस्ट का, ये मोस्टली यूज़ करते हैं चिकन थाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा फैटी होती है जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है उसमें। तो आ गया अमूल बटर, और क्या बना रहे भैया? बटर टिक्का, बटर टिक्का। ये आ गया, ये तो ये मतलब थैली के अंदर इसको मिलाने के लिए हाइजीनिक रहे, गंदे हाथ ना लगे। यार ये चीज बहुत अच्छी लगी भाई, ये चीज बहुत अच्छी लगी। कई लोग तो क्या करते हैं कढ़ाई सी ले लेते हैं, उसके अंदर इस तरह से डाल के ये मलाई वाले अपने हाथों से करते रहते हैं, और यहाँ पर देखो ये पॉलिथीन के अंदर मिला दिया और उसके बाद इसके अंदर बटर डालेंगे। ये कितने रुपए का पोर्शन रहता है? 250 का। ये आ गया इसके अंदर बटर, ये देखो भाई साहब, देख रहे हो क्या शानदार लग रहा है यार, थोड़ा सा बटर फैल भी गया बट इट्स ओके, बहुत बैटरी है यार ये। तो ये चंगे जी, ये चंगे जी, चार चार चीजें एक साथ लेकर जा रहा है यार, बहुत बढ़िया है यार। तो ये फ्राइड चिकन है ना, फ्राइड चिकन क्या रेट में रहता है सर? 100 रुपये 100 रुपये 30। 100 रुपये का एक पीस। मेरा नाम विराट कोहली है। अरे रोस्टेड चिकन, रोस्टेड चिकन यही का अच्छा लगता है। तो गाइस चंगेज जी के लिए प्रिपरेशन हो रही है, पूरी वीडियो एंड तक देखो, मजा आ जाएगा आपको। कितना पुराना है अल हबीबी थोड़ा बताओ तो? ये 8 साल पुराना है। लोगों को यहाँ पर चिकन चंगेज अच्छी लगती है, चिकन फ्राई, तीन क्वार्टर दे बटर, मलाई बटर टिक्का, रोस्टेड शामी कबाब, सीख कबाब, मुर्ग हरा धनिया, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, अंडा करी और स्पेशल रोटी, रुमाली रोटी। ये सारी चीज नहीं पूछ रहा मैं, जो बढ़िया लगती है वो। नहीं नहीं, ये चीज जो बढ़िया लगती है सारी। हाँ अच्छा, बढ़िया, ये कंटिन्यू चलती है। हाँ, एक ऐसी डिश हो यार हमारी हमेशा निकलती निकलती, वो क्या है? वो है चिकन चंगेजी और मलाई टिक्का और मुर्ग हरा धनिया। क्राउड देखा ना, क्राउड तो शानदार, क्राउड ने बोला हाइजीनिक का ध्यान रखते हुए हम सारा काम करते हैं, सिर्फ शाम को ही काम करते हैं हम, 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक। चिकन चंगेजी की पूरी मेकिंग दिखा रहे हैं आपको, और ये सबसे पहले रिफाइंड ऑयल आ गया है। प्याज ये बॉईल किया हुआ, अच्छा ये टमाटर, ये भी बॉईल किया हुआ है, ये प्याज है, तो ये सबसे पहले बॉईल प्याज डाल दिया है ऑयल के अंदर।
पानी अच्छे से पूरा सूख चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। ये आ गया टमाटर की ग्रेवी, जो प्यूरी होती है टमाटर की, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है और गरम मसाले भी हैं। ठीक है, सब मिक्स है। जो हल्का सा टेंगीनेस आती है चंगेजी की, वो इसी टमाटर की वजह से आती है। अब इसको जब तक पकाएंगे, जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा, तो अब मिला रहे हैं इसके अंदर दही। ग्रेवी एकदम टाइट हो चुकी है। अब इसके अंदर चिकन डाल रहे हैं, और ये सर ने बताया 12 किलो चिकन डाले हैं। ग्रेवी बढ़िया तरह से टाइट हो जाएगी, उसके बाद ऊपर से ऑयल डालते हैं पका हुआ। गर्मा गर्म तेल डाल, कई तो वनस्पति भी यूज करते हैं ना? नहीं नहीं, वनस्पति चल गई। में शिमला मिर्च तो अच्छी लगती है भाई। मतलब ये अब जब तक इसकी ग्रेवी टाइट करते रहेंगे, जब तक ये ग्रेवी इस तरह की नहीं हो जाती, एकदम थिक रेड हो जाएगी ना ग्रेवी, तब तक इसको चलाते रहेंगे। आपका बनके रेडी हो चुका है चिकन चंगेजी, और देख सकते हो ऑयल पूरा सेपरेट हो गया। अब ये क्या है, इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये पूरा खाली हो गया। देसी मटन वगैरह ले खाते हैं, बहुत टेस्ट होता है, और मेरे को पता है कि उससे बेहतरीन चीज़ है ही नहीं कुछ, बट हर चीज़ का एक स्वाद होता है। अब जैसे मैं चिकन चंगेजी प्रेफर करता हूँ कभी कभार, जब गर्मा गर्म बढ़िया बनाओ, तंदूरी रोटी के साथ ट्राई करो या रुमाली रोटी के साथ ट्राई करो, तो मज़ा आ जाता है उसको खाने के बाद। शानदार लग रहा है भाई। दुर्गापुरा से यहाँ पे आते हो हमेशा? जो वाइफ है मैं, वो 24 साल की है। ओके। उसने आज तक चिकन मटन कभी नहीं टेस्ट किया। यहाँ अलीगढ़ के यहाँ से मैं लेके गया कि आज वो खाने लगी। अरे वाह, नॉन वेज भी खा दिए? के ले जाता हूँ और जो अरे वाह, और ग्रेवी इनकी कढ़ाई चिकन स्पेशल। अरे वाह, तो आपकी वीडियो अभी किसी ने देख ली फिर? कोई इशू नहीं। चलो क्या क्या शानदार चीज आई है, देख सकते हो क्या शानदार टेंटिंग स्प्रेड लगा है नॉन वेज का। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमारे साथ आज लगी है यहाँ पर। ये देखो, ये है मटन स्ट्यू इनका, इसको एक बार दोबारा से फ्राई करके इन्होंने दिया है पैन में, मैंने आपको दिखाया था। देखो ये नली चाँप वगैरह ये पीस इसमें है, और ये है इनका मलाई टिक्का, जो कि इसके अंदर अमूल बटर ऊपर से डालते हैं गर्म करके, और ये इनका यहाँ का फेमस है चिकन चंगेजी, जिसमें आप देखो क्या शानदार पीसेस वगैरह आए हैं। और ये फेमस इनकी चटनी, जो कि बिल्कुल थिक चटनी है, ये टिक्का है। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के इनको सबको एक एक करके टेस्ट करता हूँ। जो चीज़ यहाँ की मेरे को एक्साइट कर दी है टेस्ट करने के लिए, वो है इनका मलाई टिक्का। तो मैंने एक रुमाली रोटी ली, ये देखो उसका साइज गर्मा गर्म है भाई एकदम, और ये देखो ये बटर में अच्छे से, देख रहे हो क्या शानदार लग रहा है, ये देख रहे हो आप, चिकन के पीसे अच्छे से हो चुके हैं, बटर आप देखो और क्रीम। और मैं लेता हूँ फर्स्ट बाइट। 6 पीस थे टिक्के के, उसमें पूरी हाफ बटर की टिक्के डाल दी। पहली बाइट लेते ही आपको पूरा बटर ही बटर का टेस्ट आएगा। इसके अंदर जो चिकन डाला गया है, मोस्टली चिकन जो पीस यूज कर रहे हैं वो थाई के यूज कर रहे हैं। ये एकदम मखमल है सर, मुंह में जाएगा, खुल जाएगा आपके। एक बाइट और लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। ये देख रहे हो, मजा आ जाएगा। अब इनका ट्राई करते हैं चिकन चंगेजी। अब गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी रोटी आई है, देख सकते हो आप, शानदार अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है एकदम। चलो इस गर्म रोटी के साथ ही मजा आता है चंगेजी का यार एक्चुअली। और ये देखो, ये है लेग पीस, क्या शानदार लग रहा है भाई साहब। ये देखो, ये ग्रेवी ली मैंने अच्छे से इसको डिप करके, ये
दोस्तों मोस्टली प्लेसेस आपने देखे होंगे वहाँ पर वनस्पति यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जब प्लेट ढकी रह जाती है ना रोड पर तो ये जम जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी जमावट नजर नहीं आएगी आपको, पीसेस देखो ढंग से पका हुआ नजर आ रहा है, पूरा अच्छे से रोस्ट हुआ हुआ है और टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट मिलेगा आपको इसका, थोड़ा सा चटनी का। ये देखो भाई ये है भाई, यहाँ का चंगेजी भी मेरे को अच्छा लगा। अब अपन ट्राई करते हैं इनका मटन स्ट्यू। आपको जो अदले की जो पूरी बोटी है ना वो नजर आ रही है इसके अंदर, एक बार सीधे ऐसे ट्राई करें इसको। चलो मक्खन होता है ना मक्खन, उसकी तरह मटन देखो पका हुआ है एकदम, मक्खन की तरह मुंह में मेल्ट हो गया भाई साहब, मक्खन की तरह बहुत ही अल्टीमेट। ट्राई करूँगा तंदूरी रोटी के साथ, एक पीस लेता हूँ। ये देखो चांप का पीस है, एक्चुअली मैंने लोगों से पूछा था कि भाई यहाँ पे मोस्टली क्या ट्राई किया जाए और मेरे को यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया मलाई टिक्का ट्राई करें, चंगेजी ट्राई करें, मटन स्ट्यू ट्राई करें, मटन कोरमा ट्राई करें, बट इतनी सारी चीज़ें ट्राई नहीं की जा सकती। तो मैंने एक छोटा सा मेन्यू लिया और उन चीज़ों को ट्राई किया। मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी ट्राई करें इन तीनों चीज़ों में आपको 100% अच्छी लगने वाली है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पर मलाई टिक्का तो मस्ट ट्राई करें। आप ये जो चीज़ बनाते हैं ना ये प्योर बटर में बनती है, अमूल बटर ये यूज़ कर रहे हैं, मसाले इनके खुद के हैं और टेस्ट बहुत लाजवाब। थैंक यू सो मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अल हबीबी आने का प्लान बनाइए। और आप कभी भी आएँ तो मेरे को प्लीज़ बताइएगा कि आपने क्या चीज़ यहाँ पर ट्राई की। यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलती है अच्छी वो सब चीज़ खाते हैं, सब शानदार चीज़ें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है ना वो है हरा धनिया, चंगेजी और हरा धनिया। सबसे अच्छी बात है इनके प्रिपरेशन नीट एंड क्लीन है, रोज़ इनकी सफाई होती है इनके पूरे वर्कशॉप में, मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं ये A1 क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है ना मैं आपको बता नहीं सकता, हम वेडनेसडे वाले दिन आ गए और ये भैया बोल रहे थे आप संडे को आते ना तो आपको मज़ा आ जाता। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैं पहले भी कई बार जयपुर आया हूँ, मैं सुजानगढ़ से हूँ, आज फैमिली को लेके आया, बहुत अच्छा खाना है। एक 4-5 आइटम खाए, रोस्टेड भी खाया, बहुत बिरयानी खाई है, चिकन जी खाई है, बटर चिकन खाया, बहुत आइटम खाया हमने। माई सेल्फ मंसूर अहमद बिलोंग फ्रॉम सीकर, टुडे मी एंड माई सम फ्रेंड्स वर कम हियर एंड अटेंड द डिलीशियस फूड एंड सच एज द रोस्टेड चिकन चंगेजी एंड व्हाट अ अमेजिंग फूड हियर वी हैव गॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक। क्या माहौल है यार यहाँ पे। एंड खाना कैसा लगा हिंदी में बताओ। अच्छा हम खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और यहाँ की जो सर्विस थी वो भी एकदम से बहुत बढ़िया थी और हम यहाँ से एकदम से खुश होकर जा रहे हैं। बच्चों को साथ लेके आए हो? इंशाल्लाह जी बिल्कुल वापस आएंगे। थैंक यू सर। बाहर से आए हम स्टडी करने के लिए तो मेस का खाना हमारे पसंद नहीं आता तो यहीं आते हैं। हमने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए हैं आपको पता है, आज मैं जिस जगह पे आया हूँ ना अल हबीबी, यहाँ पर जो माहौल है ना वो इतना शानदार है, मतलब यहाँ के जो ऑनर है ना वो इतने दिल खुश और खुश मिजाज बंदे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, आप कभी भी यहाँ पे आओ तो उनसे जरूर मिलकर जाना, आपका आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा यार। ये हैं इमरान जी और 8 साल से प्लेस को चला रहे हैं और लिटरली सारी चीज़ें मैं यहाँ पे 8 बजे आया था, अभी 10:30 बज चुके हैं, सारी चीज़ खुद मैनेज कर रहे हैं और आप मानोगे नहीं भाग भाग के मैनेज कर रहे हैं। तो सर आप इतनी एनर्जी लेके कहाँ से आते हो ये बताओ यार। ये अल्लाह की तरफ से एनर्जी मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि खाने के रेट चीप ही रहे, क्योंकि सबका देखते चाहिए बजट का सबको, आज महंगाई के दौर पे सबको साथ लेके चलो तो मज़ा आता है काम करने का। बिल्कुल सर।
तो मतलब खाने को चीप लेके चलना है और रेस्टोरेंट को आगे लेके चलना है कि लोग यहाँ से जुड़ते रहें, है ना सर, ये इनका मोटो है। तो चलिए गाइज, हम मिलते हैं फिर किसी और नई प्लेस पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।